तो दोस्तों, अगर आपको बाइक लेकर बहुत दूर दूर क्रूजिंग करना है, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग पर जाना है और बाइक को बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलाना है, तो ये है इंडिया की परहैप्स द बेस्ट बाइक, बजाज डोमिनर 400। और आज मैं आप लोगों को बहुत दिनों के बाद इसका BS6 2020 मॉडल इन ग्रीन कलर दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल का एक और नया एपिसोड एंड मैं हूँ आपका होस्ट अरिजीत। दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाने के लिए थैंक्स कहना चाहूँगा MS बजाज नोहाटी को, जिन्होंने मेरे लिए इस बाइक को अवेलेबल किया है। और दोस्तों, आपको MS बजाज नोहाटी का जो शोरूम के एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप नोहाटी के आसपास से या फिर किसी भी एरिया से है वेस्ट बंगाल के, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर पहली बार हमारे चैनल में है तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और हमारे साथ सारे लेटेस्ट कंटेंट से सबसे पहले बने रहिए। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे डोमिनर के लिए अलग से कोई भी बात कहने वाला नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही शानदार सा और एक चैंपियन सा गाड़ी है अपने सेगमेंट में, अपने प्राइस पॉइंट में। बात कर लेते हैं दोस्तों BS6 की, तो गाड़ी इतनी एडवांस था पहले से कि इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बस इसमें एक दो छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस के अलावा सिर्फ यहाँ पे वेट 3 kg बढ़ चुका है, क्योंकि अभी इसमें BS6 नॉर्म्स लागू हो चुका है। बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइस हाइक की, तो पहले से लगभग 1800 से लेकर 2000 रुपये यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ है BS6 होने के कारण। और अभी फिलहाल नोहाटी MS बजाज नोहाटी में इसका जो अप्रॉक्स ऑन रोड प्राइस है ये 2.39 लाख है। अप्रॉक्स मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि शोरूम टू शोरूम, सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट ऑन रोड प्राइस जो है ये वैरी करता रहता है। और बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी वैल्यू फॉर मनी क्वोशेंट की, तो प्राइसिंग के हिसाब से ये KTM ड्यूक 250 और सुजुकी जिक्सर 250 के साथ कम्पीट करता है। दोस्तों, यहाँ पे इंजन की जो पावर और टॉर्क फिगर्स है ये बिल्कुल अनचेंज्ड है BS6 मॉडल में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कंसीडरिंग इट्स परफॉर्मेंस। तो पावर यहाँ पे पहले जैसा ही आपको 40 PS मिलेगा एट 8650 RPM और टॉर्क पहले जैसा ही 35 Nm एट 7000 RPM मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे 373 cc का यहाँ पे इंजन है, जिसके ऊपर एनग्रेव्ड है सिंगल सिलेंडर, ट्रिपल स्पार्क, लिक्विड कूल्ड, 4 वाल्व, फ्यूल इंजेक्टेड, ट्रिपल स्पार्क यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, 373 cc का यहाँ पे इंजन है और DOHC यानी कि ड्यूअल ओवरहेड कैमशाफ्ट सेटअप पर ये बना हुआ है। फुली आप देख सकेंगे दोस्तों 3 spark plugs का यूज़ किया गया है, तो इसीलिए ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी है। कूलेंट का भी यहाँ पे आप जगह देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंजन काउल भी लग कर आता है और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कैटलिटिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर भी यहाँ पे आप देख पाएंगे। ये देखिए ऑक्सीजन सेंसर की ये तार है और नीचे एक एरिया पे एक फुला हुआ सा कैनिस्टर का भी जगह है, वो मैं इंजन काउल की वजह से यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये आप मानकर चलिए कि ये BS6 मॉडल है, इसी से आप समझ पाएंगे। 6-speed gearbox इसमें है, स्लिपर क्लच लगा हुआ है और फुल्ली ये पेरीमीटर फ्रेम पर आता है, जो कि परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। दोस्तों, पीछे की तरफ ये दो साइड में जो रेड कलर के रिफ्लेक्टर्स आपको मिलेंगे मडगार्ड का, ये अब नया ऐड किया गया है, जो कि गाड़ी की सेफ्टी फीचर को और भी ज़्यादा एनहांस कर देती है। डोमिनर हमेशा से ही बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही माचो मैस्कुलिन लुकिंग गाड़ी है। तो आगे की तरफ आप देख पाएंगे फुल्ली यहाँ पे LED हेडलैम्प का यूज़ किया गया है और बजाज का क्लेम है कि लगभग 1.5 किलोमीटर दूर से आप डोमिनर की जो लाइट है इसको देख पाएंगे, ये इतना तेज़ है। और बेस्ट इन सेगमेंट और एक दो सेगमेंट ऊपर के भी गाड़ियों को टक्कर देता है हेडलैम्प और विजिबिलिटी के मामले में। तो आप देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा हेडलैम्प क्लस्टर डोमिनार में दिया गया है, जहाँ पे ऑल LED सेटअप यहाँ पे आता है और बाकी दूसरे बाइक्स की तरह यहाँ पे छोटे मोटे LED देकर इन्होंने काम नहीं चलाया है, बल्कि भरपूर LED आपको यहाँ पे मिल जाएगा विजिबिलिटी के मामले में। कोई भी अलग सा लाइट्स यहाँ पे आपको लगाना नहीं पड़ेगा। इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो KTM से बहुत सारे पार्ट्स ये शेयर करता है और KTM के ही फुल LED इंडिकेटर्स यहाँ पे लगा हुआ है। इंडिकेटर्स, चारों इंडिकेटर्स बिल्कुल सेम है और पीछे की तरफ आपको डोमिनर का LED स्ट्रिप, जो कि पहले से ही मिलता था, वही इसमें लग कर आता है। तो ऑल LED सेटअप है, कोई भी हैलोजन वाला चीज़ यहाँ पे, लाइट्स यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हैंडल बार की बात करें तो बैकलिट स्विच गियर है और स्ट्रेट यहाँ पे रॉड या फिर पाइप टाइप हैंडल बार आप कह सकते हैं। स्विच गियर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, ब्लू बैकलिट डिस्प्ले आपको स्विचेस में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। स्लिपर क्लच मिलता है ताकि कोई भी गियर शिफ्ट या फिर क्विक डाउन शिफ्ट में स्किड होने का या फिर इंजन सीज होने का प्रॉब्लम ना रहे। और यहाँ पे अगर बात कर लेते दोस्तों इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो ट्विन डिस्प्ले आपको मिलता है। यहाँ पे जो मेन डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको बजाज की लोगो, साइड स्टैंड की इंडिकेटर, RPM इंडिकेटर, इंजन मैलफंक्शन लाइट, ABS और यहाँ पे साइड स्टैंड न्यूट्रल वगैरह का साइन आपको मिल जाएगा। स्पीडोमीटर आप देख पाएंगे यहाँ पे और फ्यूल इंडिकेशन भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। बजाज का एक बड़ा सा लोगो भी आपको यहाँ पे नोटिस होगा।
दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे एक और इंडिकेटर आता है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों जो मेन इंडिकेटर है यहाँ पे आपको फ्यूल कंजम्पशन या फिर इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी यानी कि माइलेज आपको यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ पे दो अलग अलग माइलेज दिखाने का जगह है, 1 और 2 के हिसाब से। यहाँ पे अगर रिफ्यूल करना है मतलब गाड़ी अगर इसमें अगर फ्यूल कम है तो भी इसका इंडिकेशन दे देगा। एक क्लॉक भी यहाँ पे दोस्तों मेन कंसोल में अवेलेबल है। अब आते हैं नेक्स्ट जो मीटर कंसोल है उसमें, जो कि आपको टैंक के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, इसी के साथ साथ ओडोमीटर, ट्रिप मीटर जो कि ऊपर नहीं था वो इस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सेकेंडरी मीटर कंसोल पर। तो एक चीज़ मुझे लगा है कि यहाँ पे मेन कंसोल पे आपको सर्विस रिमाइंडर भी मिल जाता है। एक ही बात है, सिर्फ आपको स्विच दबा दबा के इनमें से टॉगल करना पड़ता है। कितना किलोमीटर बाद आपको सर्विस कराना है ये भी मिल जाएगा। और दोस्तों अच्छी बात है कि गियर पोजीशन इंडिकेटर इन्होंने दोनों ही जगह पे अवेलेबल किया है, तो आप नीचे झुककर आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप मेन मीटर कंसोल से भी देख सकते हैं। फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छा है, आप टैंक लिड भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छा मटेरियल है। और यहाँ पे अगर हम टैंक को देख लेते हैं तो टैंक भी ठीक ठाक है, काफ़ी मस्कुलर सा टैंक है। ये इसका चाबी है, चाबी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 13 लीटर्स का यहाँ पे टैंक लगा हुआ है दोस्तों। डोमिनार का आपको इसके ऊपर 3D एम्ब्लेम यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो कलर है दोस्तों, ये जो ब्राइट ग्रीन कलर है, ये काफ़ी हद तक हमें कावासाकी की बाइक्स की याद दिलाता है। यहाँ पे टैंक कंसोल के साथ मीटर का जो इंटीग्रेशन है काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम है, डोमिनार का 3D एम्ब्लेम है। और इसके ऊपर आपको टैंक पैड्स जो है ये भी देखने को मिल जाएगा, ताकि अंडर हार्ट ब्रेकिंग कोई भी एब्डोमिनल इंजुरी से आप काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहे। दोस्तों यहाँ पे जो सीट आप देख रहे हैं, सीट यहाँ पे स्प्लिट सीट है, लेकिन फिर भी स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इसके ऊपर डी का एम्ब्लेम मिल जाएगा और 800mm यानी कि 800mm का सीट हाइट है, तो कि ताकि जो इंडियन हाइटेड राइडर्स है उनके लिए भी ठीक ठाक रहे। और पीछे की तरफ आप देख पाएंगे दोस्तों कुछ हुक्स यहाँ पे, कपड़े के हुक्स यहाँ पे बाहर की तरफ निकाला हुआ है अंदर की तरफ से, तो आप इसमें लगेज माउंट कर सकते हैं, हेलमेट टांग कर ला सकते हैं या फिर कोई भी छोटे मोटे सामान यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। D400 का जो बैजिंग है ये आपको सीट काउल में भी देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ से आप देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का ये पूरा गाड़ी दिखता है। पेरीमीटर फ्रेम यहाँ पे यूज़ हुआ है ताकि परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहे। और इसमें लार्जर टीथ स्प्रॉकेट का यूज़ किया गया है, यानी कि चेन जो है, चेन यहाँ पे लार्जर स्प्रॉकेट पे काम करेगा। और लार्जर स्प्रॉकेट, ये जो स्प्रॉकेट है, चेन स्प्रॉकेट, ये ज़्यादातर यूज़ होता है परफॉर्मेंस बाइक्स में। और डोमिनार की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये सिटी राइडिंग के लिए बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे जो स्विंग आर्म है ये भी बहुत ही खास है, यहाँ पे बॉक्स सेक्शन नहीं बल्कि एल्यूमिनियम स्विंग आर्म का यहाँ पे यूज़ किया गया है। और यहाँ पे दो स्टैंड नहीं आता है, सिंगल स्टैंड आता है, मेन स्टैंड इसमें नहीं आता है। और इसमें साइड स्टैंड का इंडिकेशन भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आगे की तरफ USD यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन यूज़ किया गया है 43mm का। और यहाँ पे दोनों ही तरफ आपको 17 इंचेस के रेडियल ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिल जाएंगे। डुअल चैनल ABS है दोस्तों। और इसमें आप देख पाएंगे लेफ्ट की तरफ यहाँ पे ब्रेक्स माउंटेड है। और यहाँ पे पीछे की तरफ दोस्तों एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन मिल जाएगा गैस कैनिस्टर के साथ। ये आप लगभग एक 6 से 7 बार या फिर 10 बार तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। रेस डिराइव्ड ये नहीं है, क्रूजिंग के हिसाब से ये ट्यून्ड है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं टायर की, तो डायमंड कट अलॉय व्हील्स यहाँ पे यूज़ हुआ है। आगे की तरफ आपको 110x70 साइज का टायर मिल जाएगा। और यहाँ पे दोनों ही तरफ MRF रेवजी का रेडियल ट्यूबलेस टायर्स का यूज़ हुआ है। आगे की तरफ आपको 320mm का बहुत ही बड़ा सा डिस्क ब्रेक यूज़ होता है। और यहाँ पे डायमंड कट के जो प्रीमियम फिनिशिंग है ये भी आप देख पाएंगे। डिस्क ब्रेक का साइज से ही आप पता कर सकते हैं, बहुत ही खास यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स, बहुत ही बड़े साइज का डिस्क ब्रेक्स यहाँ पे यूज़ हुआ है। यहाँ पे दोस्तों जो डिस्क ब्रेक है या फिर इसका जो पार्ट है ये भी KTM से इसका शेयर्ड होता है। ABS की रिंग भी आप देख सकते हैं, फाइबर का यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स यूज़ हुआ है। दोस्तों यहाँ पे पीछे की तरफ 230mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। मडगार्ड की अगर बात करें तो मडगार्ड यहाँ पे ड्यूअल फिनिशिंग पर है, ब्लैक और ग्रीन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। पीछे की तरफ भी आपको वही जो ब्रेक है आगे की तरफ, वही 230mm के साथ मिलेगा। ABS सेंसर पीछे भी आता है, ड्यूअल चैनल ABS है, स्विचेबल ABS यहाँ पे नहीं है। और पीछे की तरफ 150x60 का मैसिव साइज का टायर आपको मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों ड्यूअल बैरल एग्जॉस्ट आपको मिलता है, टायर हगर एक मिल जाता है। और टायर की पैटर्न से ही आप पता कर सकते हैं कि ये सिटी फोकस्ड और हाईवे फोकस्ड
टायर की ट्रेड पैटर्न दिया गया है। और बजाज डोमिनर किसी भी एंगल से सिटी में चलाने वाला बाइक नहीं है। मैं आप लोगों को हमेशा से ही कह रहा हूँ, अगर आपका 20 या 30% सिटी राइड होता है और बाकी आप टूरिंग करते या फिर हाईवेज पर और बहुत ही ज़्यादा ओपन रोड्स पर चलाते हैं तो डोमिनर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेड है। जो लोग पूछते हैं कि सिटी राइडिंग के लिए हिसाब से ये है या नहीं, तो मैं कहूँगा उतना ज़्यादा सिटी राइडिंग के हिसाब से नहीं है, क्योंकि गाड़ी की तरफ उतना जस्टिस नहीं होता है। व्हील बेस यहाँ पे 1453 mm है, वेट है 187 kg और ग्राउंड क्लियरेंस 157 mm का है। माइलेज की अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे 25 kmpl के आसपास, 25 से लेकर 28 तक आपको माइलेज मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 2.39 lakhs ऑन रोड प्राइस इन MS बजाज नोहाटी है, अप्रॉक्स ऑन रोड प्राइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मेंटेनेंस की बात करें तो हाँ, काफ़ी यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि बजाज की ये सबसे महंगी गाड़ी है और एक प्रीमियम सेगमेंट में आता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो प्राइसिंग है ये मेरे हिसाब से अभी तक ठीक ठाक है, तो आप इस गाड़ी को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा और आपको डोमिनर का ये अपडेट कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज राइड सेफ़।